फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स लॉबी एंड ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 10 ऐसे पौधे शेयर करने जा रही हूँ जो कि 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देते हैं, जिनसे हम 24 घंटे ऑक्सीजन लेते हैं। आप अपने घर पर बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। यह पौधे हर समय आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। आमतौर पर हम सभी अपने घर पर नीम और पीपल के पेड़ लगाने से बचते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, हम सभी को अपने घर के आसपास नीम और पीपल के पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पौधे शेयर करूंगी जो कि आप अपने घर पर आसानी से लगा सकते हैं, जो हवा में टॉक्सिक गैसेस या केमिकल होते हैं उनको सोखते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं। ये पेरिविंकल प्लांट है जो ये प्लांट्स अगर आप एक बार अपने गार्डन में या अपने घर पर लगा लेते हैं तो बार बार आपको इसमें रुपए वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन पौधों को अपने ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, विंडो या स्टडी टेबल पर भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनको हम लगा सकते हैं। देखिए, ये है एरिका पाम का प्लांट। यह एक बहुत ही आसानी से लगने वाला डेकोरेटिव प्लांट के रूप में आप अपने घर में लगा सकते हैं। इसको आप लिविंग रूम, बेडरूम में भी लगा सकते हैं। यदि आपके घर जगह नहीं है तो आप इसको बालकनी में भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। पौधा घर की कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों को सोख लेता है और आपको शुद्ध ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। एरिका पाम के कम से कम आप लोग 2 पौधे जरूर लगाइए। यह पौधा ऑक्सीजन तो देता ही है, साथ में ही वास्तु दोषों को भी दूर करता है और आपके लिविंग रूम और बेडरूम की सुंदरता को भी बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट प्लांट को देखते हैं वह कौन सा पौधा है। ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट हवा की गुणवत्ता को शुद्ध करने में हेल्प करता है। यह एक ऐसा अनोखा प्लांट है जो कि एक पत्ती से ग्रो हो जाता है। चाहे आप इसको पानी में लगाइए या फिर सॉइल में लगाइए। इस पौधे की खास बात यह भी है कि यह एक पत्ती से ही अनेकों प्लांट रेडी कर लेते हैं और वह भी बिल्कुल फ्री में। और आप इसको इंडोर, आउटडोर या छोटे बड़े गमले में किसी में भी लगा सकते हैं। अगर आप इस पौधे को इंडोर लगाते हैं तो आपको तनाव मुक्त करता है, आपके मूड को, आपके माइंड को फ्रेश करता है और आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उन सभी को दूर करता है। आप इसको छोटे बड़े किसी भी प्रकार के गमले में लगा सकते हैं। आप इसको लिविंग रूम में, बेडरूम में, यहाँ तक कि इसको आप किचन में भी लगा सकते हैं और आप इसको आउटडोर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट देखते हैं कौन सा है। ये है एग्लोनुमा। इस प्लांट को चाइनीज एवरग्रीन लिपस्टिक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही अच्छा प्यूरिफाइड प्लांट है। यदि इस प्लांट को आप अपने घर पर लगाते हैं तो नेचुरली कलर आपके घर पर रहेगा। इस पर सफेद रंग के फूल भी आते हैं यदि आप इसको सीधी सनलाइट में रखते हैं। यदि आपने इसको अपने घर में रखा है ब्राइट लाइट एरिया में, जहां अच्छी खासी रोशनी आती है, तो वहां भी अच्छे से ग्रो करेगा, लेकिन तब इस पर फूल नहीं आएंगे। बात करते हैं इसकी सॉइल की, तो सॉइल इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए और विंटर में ये स्ट्रेस में चला जाता है और जब तक इसकी सॉइल ड्राई ना हो जाए तब तक इसमें पानी नहीं देना है। इसकी बहुत सारी कलर वैरायटी आती है, आप कोई सा भी कलर अपने घर पर लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। 4 से 8 इंच के गमले में बहुत ही आसानी से लग जाता है। ये है सिंगोनियम का प्लांट। हवा को शुद्ध करने में बहुत ही अच्छा है। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इसको लगाने का लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। लोगों में इस प्लांट को अपने घर में लगाने का क्रेज दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इस पौधे की सबसे खास बात यह है
ये बहुत ही लो मेंटेन प्लांट है। इसकी बहुत सारी कलर वैरायटी आती है, पिंक, ग्रीन, लाइट ग्रीन। आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें इसको बेल की तरह भी लगा सकते हैं। यह एक हैंगिंग बास्केट प्लांट में भी लगाकर बहुत खूबसूरत लगता है। कटिंग से भी बहुत इजीली लग जाता है। हार्डी प्लांट है, सैंडी सॉइल में लगाइए, बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा रफ टप प्लांट है। अगला पौधा है तुलसी का पौधा। वैसे तो हर घर में तुलसी का पौधा होता ही है, लेकिन तुलसी के पौधे की धार्मिक मान्यता के अनुसार भी बहुत जरूरी होता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी तुलसी को अपने घर पर जरूर लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा एक आउटडोर प्लांट है, इसको कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इसको धूप की रिक्वायरमेंट होती है, वायु और प्रदूषण को दूर करने में बहुत ही अधिक हेल्प करता है। तुलसी के पौधे को मिट्टी के गमले में ही लगाना चाहिए। मिट्टी के गमले में अगर तुलसी का पौधा लगाते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तुलसी के पौधे को वास्तु शास्त्र के अनुसार साफ सुथरे स्थान पर ही रखना चाहिए। ये है गोल्डन पथूस, जिसे मनी प्लांट भी कहते हैं। लाइट ग्रीन कलर का होता है, छोटी छोटी पत्तियां देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत ही स्पीड से बढ़ता है। अदर प्लांट्स की अपेक्षा, जैसे आपका जीजी प्लांट हो गया, एरिका पाम हो गया, ये सभी स्लो ग्रो करते हैं, लेकिन गोल्डन पथूस बहुत ही स्पीडली ग्रो करता है। एक बहुत अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, इसको हैंगिंग बास्केट में भी आप लगा सकते हैं। इसको अपने घर के अंदर बेडरूम में या लिविंग रूम में भी रख सकते हैं। बहुत ज्यादा बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं है। अगर बात करें सॉइल की तो वेल्डन सॉइल में बहुत अच्छा ग्रो करता है। ये है क्रोटोन का पौधा। यह एक ऑर्नामेंटल रंग बिरंगी पत्तियों वाला प्लांट है। अगर इस प्लांट को आप लगा लेते हैं तो यह पौधा आपको फूलों की कमी कभी महसूस नहीं होने देगा। यह पौधा सभी के घरों में लगा हुआ होगा, लेकिन हम लोगों को नहीं मालूम होता कि यह एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। हम सभी के घर पर लगा हुआ होता है, लेकिन हमें इसके बेनिफिट्स नहीं मालूम होते हैं कि यह प्लांट हमारे लिए कितना फायदेमंद है। इसको कटिंग से बहुत ही आसानी से हम लगा इस प्लांट को अपने गार्डन में अपने घर पर जरूर लगाएं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। अगर आप इसको एक बार ले आते हैं तो आपके घर से ये कभी जाएगा नहीं। ये पौधा बहुत सारे कलर वैरायटी में आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।